हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी फ़िलहाल हम उठे हैं और चाय बाय हमने पी ली है और हमारे साथ में है अश्विन एंड तुषा दोनों, वो भी अपना होमवर्क करते थे। तो चलते उसके पूछ, तो चलिए उसके पास। अशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अने आ शू करे छे? लखे छे, लखो तार। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये क्या कर रही हो? पढ़ाई। पढ़ाई कर रही सुबह सुबह में? अभी तो 7 बज गए और आज सुबह जल्दी उठ गए थे क्या? हाँ, रात को बारिश हुई थी या तो जल्दी उठ गए हैं। तो गाइस, रात को बारिश हो गई थी और पवन ज्यादा, तूफान ज़्यादा नहीं था लेकिन बारिश ज़्यादा थी। तो गाइस, मैं बाहर ले चलता हूँ, बाहर क्या सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी बारिश हुई आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर इतनी सारी बारिश हो गई थी तो बादल भी कितने आ चुके हैं और यहाँ पर पानी पानी इकट्ठा हो गया है सब जगह पर। बाहर भी पानी हुआ है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो काफ़ी सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। सो गाइस, जब भी आए हम खुले में, क्योंकि घूमने के लिए हम आए थे, सोचा था कि थोड़े घूम लेते हैं। और अश्टू एंड तुषा दोनों में से एक को भी मैं साथ नहीं लाया, आज मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि वो दोनों घर पे थी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो मैं अकेले ही आ गया, वो घर पे होती तो शायद मैं उनको साथ भी ले आता, बट मुझे मिली नहीं तो मैं अकेला ही आया। तो गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और फिलहाल तो बिल्कुल धूप है नहीं, कल बारिश आई थी तो आज आसमान में पूरे बादल ढके हुए हैं। तो बारिश आने के बाद तो बिल्कुल धूप है नहीं और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। तो गाइस, मैंने ये सोचा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं। और मुझे मैं एक मेन काम से आया था जो कि मुझे नींबू की ज़रूरत थी, तो मैं नींबू लेने के लिए यहाँ पर आया था। तो थोड़े नींबू लेके वापस घर चले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर घर चले जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, खेत में कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घास है, वो भी बफेलो के लिए रखा गया है, बाकी तो कुछ है नहीं। पेड़ है और कुछ लोग जा रहे हैं खेत में से घर, तो बाकी तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो मैं अकेला ही यहाँ पर आया था घूमने के लिए। और यहाँ पर एक नील गाय खड़ी है और कुत्ता उनको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर एक नील गाय खड़ी है, कुत्ते उनको परेशान कर रहे हैं लेकिन ये वो हटने वाली नहीं है क्योंकि वो भी अड़ग मन से ही खड़ी है, हटने वाले में से नहीं है। कुत्ता उसके पीछे भौंक रहा है, बिल्कुल हटती नहीं है। चलते हैं, थोड़े बहुत नींबू ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़े नींबू की ज़रूरत है, फिर थोड़े लेकर वापस घर चले जाएँगे। तो फिलहाल चलते हैं नींबू के पौधे के पास, नींबूड़ी के पास, तो यहाँ से उठा लेंगे थोड़े बहुत, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये है नींबूड़ी, तो उस पर नींबू बैठे हुए हैं, तो थोड़े बहुत ले लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको, तो थोड़े ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादा तो बिगड़ जाएंगे घर पे, बेटर यही है कि उस पर यहाँ पर ही रहे, तो हमें जितना चाहिए उतने ही ले लेते हैं। तो गाइस, संभाल के लेना पड़ता है क्योंकि नींबूली के कांटे बहुत ही होते हैं और वो भी चुभ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ से ले लेता हूँ। फिलहाल तो 3 है ये मेरे पास, और 3 ले लेते हो तो बहुत हो गए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से आएंगे क्योंकि वो मेरे घर से दूर नहीं है, पास में ही है नींबूड़ी, तो लेके चले जाएंगे। तो हमें इतनी की ज़रूरत है तो इतने ही लेते हैं, तो थोड़े यहाँ से ले लेते हैं। गाइस, कांटे बहुत होते हैं तो चुभ जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं यहाँ पर, ये रहा कांटे, नींबूड़ी को बहुत कांटे होते हैं तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे कांटे लगे हुए हैं देख सकते हैं, ये भी रहा और ये भी कांटा है। तो ये कहीं अगर ध्यान नहीं रखते तो चुप जाते हैं, तो उसको उससे बचकर रहना चाहिए उससे लेने वक्त पर। तो गाइस, जितने नींबू लिए हैं 5-6 हैं, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि नींबूड़ी नज़दीक है तो आके कभी भी किसी भी वक्त पर आकर ले जा सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि घर पे सूख जाते हैं और कोई काम नहीं आता, यूज़ नहीं होता, तो सूख ही जाते हैं पड़े पड़े, तो इसलिए हमें ज़रूरत है इतने ही लेते हैं।
बाकी तो यहाँ पर है, तो कभी भी आकर ले जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है घर से, पास में ही है, तो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त पर आकर ले जा सकते हैं। तो गाइस फ़िलहाल तो चलते हैं घर पे, तो घर पे ही मिलेंगे। और यहाँ पर एक चिकुड़ी का पौधा है, तो उन पर चिकू नहीं बैठे हैं, तो फिलहाल तो अभी चलते हैं घर पे ही मिलेंगे डायरेक्टली। फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और अश्विन तुषार दोनों का कोई फिलहाल ठिकाना नहीं है, तो मिलते हैं तो मैं आपको मिलवाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अश्विन एंड तुषार दोनों घर पे आ गई है। कहाँ गए थे? तो गाइस यहाँ पर पूजा हो गई है शाम की, तो दिया बत्ती कर दी है और आशु भी आ गई हमारे साथ घर में। वीडियो बनाओ तुम्हारी। अभी हम छत पे आ गए और मेरे साथ में आस्था, तो ये चढ़ गई ऊपर, कभी भी गिर सकती है तो उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बादल आ चुके हैं, दिख रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर बारिश आने वाले बादल हो चुके हैं, काले काले बादल आ चुके हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे बादल हैं, तो रात को बारिश शायद आ सकती है। अभी तुषार एंड आस्था यहाँ पर कुछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है तो वो निकाल रही है, क्योंकि हमारा घास है नीचे। और तो गाइस यहाँ पर बारिश के पानी के वजह से वो पानी भर चुका था, तो तुषार यहाँ से निकाल रही है और साथ में आस्था भी उनके साथ खेल रही है और मुझे देख रही है। ये मुझे देख रही है, आशु वहाँ पर खड़ी है और मुझे देख रही है। तो चलते हैं गाइस नीचे। तो फिलहाल तो अभी नीचे चलते हैं गाइस। यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है चूल्हे पे, वो भी बाजरे की। तो यहाँ पर बाजरे की रोटी चल रही है और यहाँ पर रगड़ रगड़ घिसल घिसल के रोटली बन रहे हैं। तो यहाँ पर गुजराती रोटला बनी रहा है आज, वो भी बाहर आज चूल्हे पर ही बन रहे हैं, क्योंकि गैस की टंकी ख़त्म हो चुकी है और सब्जी ही हमारी गैस पर बनती है, बाकी तो चूल्हे पर ही बनता है सब, चाय सब्जी ही गैस पे बनती है। फिलहाल तो ये बाजरी का रोटला चल रहे हैं। तो भाई तो चूल्हे पर बनने वाले रोटले काफ़ी अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, रहता है जिनके कुछ इस तरह का है। मैं मॉम रोटले बना रही है, जब भी हमने रात का खाना खा लिया है। और फिलहाल तो करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप पसंद आया हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।